हेलो एवरीवन वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी डी डीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक लाइव पर सभी लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सभी लोग जुड़ जाइए एक बार जो भी लोग जुड़ गए हैं इसको शेयर कर दीजिए प्रियंका जी मोनिका जी प्रियंका तनुज सकलानी जी बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं फिलहाल अभी और लोगों को जुड़ जाने जुड़ जाने दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो किसने की थी कॉपर निकस ने ये चीज ध्यान रखनी है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी कॉपर निकस ने की थी, थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं तो उनका नाम क्या होता है सर ग्रह ठीक है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर ग्रह कहते हैं ठीक है ठीके? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड का क्या सही होगा सेकंड का ए ऑप्शन सही होगा ठीक है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो आपके उपग्रह कहलाते हैं ठीक है ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो आपके उपग्रह कहलाते हैं और मैं आपको बता दूं क्षुद्ध ग्रह क्या होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो भी छोटे छोटे पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं ठीक है पुच्छल तारा तो आपको पता ही होगा पुच्छल तारा क्या होता है पुच्छल तारा एक वो तारा होता है जो जब गिरता है ठीक है जब गिरता है तो उसके पीछे से क्या निकलती है एक तरीके से आग निकलती है तो वो हमारा क्या कहलाता है पुच्छल तारा कहलाता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आके निशा जी गुड इवनिंग अहाना ठाकुर जी सही आंसर है बिल्कुल अनुराजेश धीमन जी प्रियंका जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं आगे देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले छोटे चो, आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाएंगे उसे हम ग्रह कहेंगे और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उपग्रह कहेंगे यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था कैप्लर ने ठीक है कैपलर्स ने क्या दिया था आ, कह सकते हैं हम जो ग्रह की गति का नियम दिया था आगे बढ़ते हैं सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो सौरमंडल में सर कितने ग्रह हैं आपको पता है आठ ग्रह हैं लेकिन पहले नौ हुआ करते थे लेकिन क्या हुआ 2005 में प्लूटो को इससे बाहर कर दिया गया जो इंडियन जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया 2005 में प्लूटो को अलग कर दिया क्यों अलग कर दिया क्योंकि ये क्या करता था दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटता था ठीक है इसीलिए अलग कर दिया गया अनु मेहता जी रिया सरीन जी रंजू शर्मा जी कौशल्या जी आहना ठाकुर जी अनुराजेश धीमन जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम आपसे पूछा गया है तो बताइए कौन सा सही होगा तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले हमारा क्या पड़ता है सबसे पहले हमारा बुद्ध आता है बुद्ध के बाद हमारा क्या आता है बुद्ध के बाद हमारा शुक्र आता है ठीक है शुक्र के बाद पृथ्वी आती है फिर आपकी मंगल आती है ठीक है मंगल के बाद क्या आता है आपका बृहस्पति आता है ठीक है फिर आपका क्या आता है अरुण आता है फिर आपका वरुण आता है तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है पृथ्वी से दूरी बढ़ती दूरी के अनुसार तो अभी मैंने आपको बताया था अभी मैंने आपको क्या बताया था अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले बुद्ध तो यहाँ पर है नहीं तो शुक्र से स्टार्ट करेंगे शुक्र मंगल बुद्ध यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा नहीं पहले क्या आएगा आपका बढ़ती दूरी के पृथ्वी से बढ़ती दूरी के सर ओके तो पृथ्वी से अगर दूरी देखें तो हमारा बीस ही होगा पृथ्वी से जो तो सबसे दूरी कम दूरी है शुक्र है शुक्र के बाद फिर आपका मंगल आता है फिर आपकी बुद्ध होता है फिर आपका बृहस्पति होता है इसमें यहाँ से किससे पूछी है यहाँ से पूछी गई है पृथ्वी से पूछी गई है ठीक है ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर पूछी गई थी सूर्य से और यहाँ पर पूछी गई है किससे पृथ्वी से तो पृथ्वी से सबसे पास कौन पड़ता है शुक्र पड़ता है उसके बाद मंगल पड़ता है फिर आपका बुद्ध पड़ता है फिर आपका बृहस्पति पड़ता है ठीक है इसीलिए तो हम देखो पृथ्वी की जुड़वा बहन से क्यों कहते हैं क्योंकि ये क्या पड़ता है पृथ्वी के पास में पड़ता है इसीलिए हम शुक्र को क्या कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं ये चीज ध्यान रखना है पृथ्वी की जुड़वा बहन ठीक है भोर का तारा भी किसको कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के पास में है और इसीलिए ये चमकता भी है ठीक है आगे बढ़ते हैं आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है मतलब कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस तरीके से आपको लगाना है क्रम में तो मैं आपको बता दूं आकार के अनुसार अगर देखोगे तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद में शनि है फिर आपका अरुण आता है फिर वरुण है फिर आपकी पृथ्वी शुक्र मंगल बुद्ध तो सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा हमारा है बृहस्पति ठीक है और पाँचवें नंबर पर हमारी क्या आती है पृथ्वी तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है ये चीज ध्यान रखनी है एक बार कमेंट ले लेते हैं आपके अनु राजेश जी रीना जी रिया सरीन जी अनु मेहता जी प्रियंका जी मोनिका जी कौशल्या जी आहाना जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है तो देखो सौरमंडल में आपके क्या क्या पाए जाते हैं आपके देखो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में होते हैं मंगल और बृहस्पति बीच के बीच में जो भी जो है धूल के कण वगैरह होते हैं या छोटे मोटे पत्थर वगैरह होते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं ठीक है धूमकेतु भी पाए जाते हैं ग्रह भी पाए जाते हैं लेकिन निहार का जो है सौरमंडल मंडल का भाग नहीं है यह चीज ध्यान रखना है तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा अगला देखिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है तारामंडल क्या है तारामंडल क्या है तो तारामंडल क्या, तो तारा क्या होता है तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति होती है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते ठीक है मतलब ऐसे तारों का समूह ऐसे तारों की आकृति जो क्या पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं तारामंडल कहते हैं ठीक है थीके? जो पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं हो उन्हें हम क्या कहते हैं तारामंडल कहते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं तो आपकी देखे जाए तो 89 नाइन यहां पर क्या है तारामंडल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं अगला देखिए नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत कहां पर है तो सर जो नेक्स्ट ओलंपिया ने पौर्ण है ना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट ओलंपिया आपका पाया जाता है मंगल ग्रह पर ठीक है नेक्स्ट ओलंपिया जो पाया जाता है आपका कहां पाया जाता है मंगल ग्रह पर पाया जाता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर आते हैं अगला देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है तो सर देखो पार्थिव ग्रहों को, को हम दो भागों में बांट देते हैं ग्रहों को हम दो भागों में बांटते हैं देखो एक होते हैं आंतरिक और पार्थिव ग्रह मैं आपको समझा देता हूँ ग्रह को जैसे यहाँ पे ग्रह हैं ग्रह को हमने दो भागों में बांट दिया ठीक है दो भागों में बांटा एक होते हैं आंतरिक और पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल जो होते हैं वो आपके आंतरिक ग्रह मतलब स्टार्टिंग के चार ग्रह ले लो जैसे आपने क्या किया आपने क्या किया आपने जैसे आप क्रम से लगा लो यहाँ पे आपने बुद्ध लिख लिया बुद्ध शुक्र पृथ्वी सॉरी बुद्ध शुक्र पृथ्वी हो गया मंगल हो गया मंगल के बाद क्या आता है बृहस्पति आता है बृहस्पति के बाद में आपका क्या आएगा अरुण आएगा फिर आपका वरुण आएगा तो स्टार्टिंग के जो चार ग्रह होंगे स्टार्टिंग के जो आपके चार ग्रह होंगे तो वो आपके ग्रह क्या होंगे स्टार्टिंग के जो चार ग्रह होंगे वो आपके आंतरिक और पार्थिव ग्रह होंगे और लास्ट के जो चार ग्रह होंगे उनको कहते हैं बाह्य या जोवियन ग्रह बाह्य या जोवियन ग्रह है कहते हैं ठीक है तो बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण तो ये आपके बृहस्पति शनि अरुण वरुण आपके हो गए बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह और आपके बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल आपके क्या हो गए पार्थिव ग्रह तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है सर चार है ठीक है चार पार्थिव ग्रह हैं चार आपके क्या होंगे जोवियन प्लानिट होंगे आगे बढ़ जाते हैं निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल तो यहाँ पे शनि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा बाह्य ग्रह बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है तो वो भी मैंने आपको बता दी बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी थी चार थी ठीक है तो यहाँ पे चार आंसर हो जाएगा बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है बृहस्पति के समान बृहस्पति के समान ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो वो कौन सम्मिलित नहीं है आपका मंगल सम्मिलित नहीं है ठीक है बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है आपका मंगल सम्मिलित नहीं है क्यों क्योंकि मंगल पे जो है आपके कुछ जीवन की संभावना भी पाई गई है और इसके अलावा जो लाल ग्रह है यहाँ पर यहाँ पर रेड ऑक्साइड भी अधिक मात्रा में पाया जाता है किस किसपे मंगल ग्रह पे ठीक है तो इसके हम बात कर लें जो बृहस्पति के समान ग्रह कौन कौन से शनि है अरुण है वरुण है लेकिन मंगल यहाँ पर अलग है आगे बढ़ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं देखो वामावर्त एक होता है दक्षिणावर्त ठीक है तो यहाँ पर देखो जो वामावर्त घूमते हैं तो वामावर्त आपके कौन घूमते हैं वामावर्त आपके और और है, वामा है, शुक्र और वरुण शुक्र और वरुण जो घूमते हैं सर वो वामावर्त घूमते हैं ये चीज ध्यान रखना ठीक है शुक्र शुक्र और और कौन अरुण सॉरी यहाँ पे है शुक्र और अरुण जो है आपके क्या घूमते हैं वामावर्त घूमते हैं आगे बढ़ जाते हैं सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो देखो तो एक तरीके से देखा जाए तो जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है यहाँ पर सूर्य से तो सूर्य को जो है हम हम कह सकते हैं सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि सूर्य ही हमें क्या करता है एनर्जी देता है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखनी है एक बार कमेंट देख लेते हैं आपके आहना ठाकुर जी प्रियंका तनु शक्लानी जी अनु राजेश जी आहना ठाकुर जी कौशल्या पौचा जी प्रियंका जी आहना जी रीना कुमारी जी एक बार सभी लोग क्या करेंगे एक बार सभी लोग लाइक कर दें सभी लोग एक बार लाइक कर दें एक बार सभी लोग लाइक कर दें ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है विस्फोटी तारा किसे कहते हैं ब्रह्मांड में तो उसको हम क्या कहते हैं अभिनव तारा अभिनव तारा को हम क्या कहते हैं विस्फोटी तारा, तारा कहते हैं ठीक है ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये किसने खोज की थी तो ये कॉपर निकस ने की थी किसने की थी कॉपर निकस ने की थी ठीक है कॉपर निकष हमारे किससे जुड़े हुए हैं कॉपर निकष हमारे जुड़े हुए हैं किससे Uh, कह सकते हैं हम ऐस्ट्रोनॉट से या भूगोल से जुड़े हुए हैं बाकी देखो डाल्टन ये हमारे केमिस्ट्री के हैं न्यूटन हमारे फिजिक्स के हैं आइंस्टीन भी हमारे फिजिक्स के हैं कॉपर निकस यहाँ को मिलेंगे यहाँ पर ठीक है ध्यान रखना है अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन ग्रह मानते हैं कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है सूर्य ठीक है सूर्य लेकिन प्राचीन के लोग क्या करते थे इसको ग्रह मानते थे किसको सूर्य को ग्रह मानते थे ठीक है लेकिन ये सूर्य जो है क्या है ग्रह नहीं है ये एक तारा है सूर्य क्या है एक तारा है ठीक है आगे देखते हैं सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है तो देखो सूर्य के संगठन में आपकी दो गैसें पाई जाती हैं हाइड्रोजन है और हीलियम ठीक है हाइड्रोजन और हीलियम तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन प्रोसेस कहाँ होता है सूर्य में होता है जिससे कि बहुत सारी एनर्जी मिलती है और इसी से नाभिकीय संलयन प्रोसेस से क्या मिलती है हमें ऊर्जा मिलती है ठीक है सूर्य हमें ऊर्जा किस प्रोसेस के द्वारा देता है नाभ की सल्यन के द्वारा देता है हंसा जी आहना ठाकुर जी ज्योति जी रीना जी मोनिका चौधरी जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं सुधांशु जी ठीक है आगे बढ़ते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है तो सर सूर्य के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं ठीक है सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं आगे तो बढ़ते हैं सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल ठीक है सूर्य के ऊपरी भाग को हम वर्णमंडल कहते हैं चीज ध्यान रखनी है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है ये बताओ पूर्व से पश्चिम घूमती है पश्चिम से पूर्व घूमती है हमारी पृथ्वी जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ठीक है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ध्यान रखना इसीलिए सूर्य सदैव कहां से निकलता है पूर्व से निकलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगा तो 21 जून को दिखाई देगा ठीक है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगा 21 जून को दिखाई देगा अब देखो यहां पर मतलब सब क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सर क्या कहा जाता है अब सौर कहा जाता है ठीक है देखो आपको पता सूर्य तो के निकट आ जाती है सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं अपसौर कहते हैं तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है अपसौर कहलाती है और सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम न्यूनतम दूरी होती है उसको हम उपसौर कहते हैं ये चीज ध्यान रखना एपोजी और पेरोजी यूज होता है सर चंद्रमा के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा ठीक है आगे देखिए एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे अभी मैंने आपको बताया क्या कहेंगे उपसौर कहेंगे ठीक है उपसौर कहेंगे निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं खगोलीय एकक कहते हैं ठीक है ये चीज ध्यान रखना एक बार कमेंट देख लें आपके रिया शरीन आहना ठाकुर जी मोनिका चौधरी जी कौशल्या पोचडा जी ज्योति अक्षय जी सुधांशु कुमार जी प्रियंका तनु चकलानी जी बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना मतलब जैसे यहाँ पे ये यह पृथ्वी है ठीक है पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है अगर अगर हमारा जो है सूर्य की किरणें डायरेक्टली यहाँ पड़ रही हैं तो क्या होगा यहाँ पर जो है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में मतलब पृथ्वी के ध्रुवीय व्रत में अधिक देर तक अगर कोई चीज़ चमक रही है तो उसको हम कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा जब चैप्टर आएगा हमारा अक्षांश और देशांतर जब आएगा तब एक्सप्लेन करूँगा मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है बात करें कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है ठीक है क्योंकि आपको देखा होगा कि ऊपर का जो क्षेत्र रहता है ये वाला क्षेत्र इसको हम कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र ठीक है ये वाला आर्कटिक क्षेत्र होता है और नीचे वाला जो होता है पृथ्वी का ये अंटार्कटिक क्षेत्र होता है ऊपर वाला हो गया आर्कटिक क्षेत्र और नीचे वाला होता है अंटार्कटिक क्षेत्र ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यही बात होगी ना मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा ध्रुवीय व्रत भी यहाँ पर पड़ता है तो ध्रुवीय व्रत में ही मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देगा आगे बढ़ते हैं सूर्य में काला धब्बा क्या होता है सूर्य में काला धब्बा क्या है तो द, काला धब्बा एक तरीके से देखो जहां से पर सूर्य से जिस स्थान से तो पर, पर, example, से मान लीजिए सूर्य है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये कुछ काले धब्बे से हैं तो यहाँ पर क्या होगा ये वे स्थान होते हैं जहां से प्रकाश निकल नहीं पाता जब प्रकाश निकलेगा नहीं उत्सर्जित नहीं होगा तो वो क्या दिखाई देंगे काले दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे काले दिखाई देंगे ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है सेवेंटी वन परसेंट क्या होती है सर हाइड्रोजन होती है ये चीज़ ध्यान रखना इसीलिए तो सूर्य में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है हाइड्रोजन की वजह से ठीक है अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है तो सी बात है सूर्य एक क्या है तारा है सौर पृष्ठ पर सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है तो सौर पृष्ठ पर सर छः हज़ार डिग्री सेल्सियस होता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना ठीक है छः हजार डिग्री सेल्सियस होता है एक बार कमेंट देख लें हंसा जी रिया जी कौशल्या जी मोनिका जी आशा जी आहना ठाकुर जी ज्योति जी मीनू जी रीना जी ठीक है अगर देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है तो हाइड्रोजन के अलावा मैंने क्या बताया था जो है दो तत्व पाए जाते हैं एक तो हाइड्रोजन दूसरा हीलियम तो यहाँ पे हीलियम आंसर होगा राइट आंसर होगा हीलियम सूर्य पृथ्वी सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लेता है तो मैंने आपको बताया कि एट मिनट ठीक है लगभग अगर आठ मिनट भी आंसर आपका आ जाए तो वो भी आपका सही होगा तो 8.3 मिनट जो है समय लेता है तो ये आंसर यहां पे हो जाएगा आगे बढ़ते आते हैं आगे देखिए सूर्य के पास आ, कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो देखिए ये यहाँ पे पड़ता है ये सूर्य हो गया तो सूर्य के सबसे नजदीक पड़ता है बुद्ध बुद्ध के बाद शुक्र सुक, शुक्र के बाद पृथ्वी पृथ्वी के बाद मंगल मंगल के बाद बृहस्पति फिर आपका शनि फिर आपका अरुण फिर वरुण ये पड़ते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पास में कौन पड़ता है आपका बुद्ध पड़ता है ठीक है बुद्ध यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुद्ध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बुद्ध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है तो सर अट्ठासी दिन होते हैं ठीक है अट्ठासी क्योंकि बुद्ध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है अट्ठासी दिन में पूरी करता है यही पूछ रहा है यही पूछ रहा है कि बुद्ध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है अट्ठासी दिन में पूरी करता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पर सर बुद्ध की जब बात आ गई तो बुद्ध का कोई उपग्रह है तो बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है आपसे पूछे कि कोई बुद्ध का उपग्रह है तो बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं होता है ठीक है और यहाँ पर क्या होता है वायुमंडल का अभाव है क्योंकि ये ये जो बुद्ध ग्रह होता है ना बहुत ही मतलब यहाँ पे कंकड़ पथरीला है क्यों पथरीला है क्योंकि सर ये सूर्य के सबसे निकट है सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कोई भी आपको वाष्प नहीं मिलेगी बिल्कुल कोई वाष्प नहीं मिलेगी बिल्कुल ये कंकड़ यहाँ पे पत्थर की तरह सब मिलेगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ेगी ठीक है सब चीज़ यहाँ पे सूख जाती है तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या नहीं होता है यहाँ पर आपका उपग्रह भी नहीं पाए जाते इसके किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं तो यहाँ पे ध्यान रख लो बुद्ध में ठीक है बुद्ध में जो होती है चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती हैं ठीक है थीके? तो क्यों कलाएं पाई जाती हैं क्योंकि तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपका दिन जो होते हैं अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो अत्यधिक क्या होती हैं बर्फीली होती है ये चीज आपको ध्यान रखना है दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती है बुद्ध पे ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है तो किस किस के उपग्रह नहीं है बताइए किस किस ग्रह के उपग्रह आपके नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था कि बुद्ध का उपग्रह नहीं है और दूसरा जो है शुक्र का उपग्रह नहीं होगा इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है के के और शुक्र ये चीज ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो देखो जो सबसे पास में होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा तो सबसे पास में कौन है सबसे पास में है सर बुद्ध बुद्ध जो है सबसे पास में है इसीलिए जो है आपका सबसे पहले चक्कर लगा लेता है फिर शुक्र उसके बाद में लगाएगा और सबसे बाद में कौन लगाएगा सबसे बाद में लगाएगा वरुण वरुण सबसे लास्ट में पड़ता है इसलिए सबसे बाद में चक्कर लगाएगा सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है तो जो सबसे पास होगा वही सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाएगा तो बुद्ध सबसे पास में है बुद्ध ही सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाएगा तो एक बार कमेंट देख लें आशा जी रीना जी मीनू जी सुधांशु जी हंसा जी कौशल्या जी प्रियंका जी ज्योति अक्षय जी प्रिया जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं भारती जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं ठीक है नीलम जी आगे देखते हैं बुद्ध निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है देखो वही क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया सबसे तीव्र गति से कौन चक्कर लगाता है तो बुद्ध लगाता है सबसे अधिक परिभ्रमण परिभ्रमण गति परिभ्रमण गति का मतलब क्या होता है समझ रहे हो परिभ्रमण का मतलब होता है जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी होगी तो यहां पर क्या कर रही है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति ठीक है तो सबसे अधिक परिभ्रमण गति किसकी होगी जो सबसे पहले चक्कर लगाएगा तो कौन लगाता है बुद्ध लगाता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बुद्ध आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है कौन से ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है तो सर ये आपका कौन सा है बी बुद्ध का ही जो है अक्षीय झुकाव क्या है सबसे अधिक है बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है ठीक है ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह ये मैं आपको बता ही चुका हूँ चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है बुद्ध होगा, होगा ठीक है कौन होगा बुद्ध होगा क्योंकि ये चमकता है ठीक है चंद्रमा के समान चमकता है ये ग्रह ठीक है आगे बढ़ते हैं सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है पृथ्वी जितना बड़ा है तो को पृथ्वी की बहन कैसे कहा जाता है ये बताओ शुक्र को कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि शुक्र जो है लगभग पृथ्वी के समान है तो इसीलिए जो है शुक्र इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बहन किसको शुक्र को कहा जाएगा पृथ्वी की बहन किसको कहा जाएगा शुक्र को ये सभी को पता होगा आंसर ठीक है इसका अब देखो यहाँ पर आ जाओ शाम का तारा किसे कहा जाता है शाम का तारा अब मुझे बताओ जो ग्रह पृथ्वी के सबसे पास होगा पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है शुक्र है तो शुक्र क्या करता है दिखाई देता है पृथ्वी से दिखाई देता है क्योंकि सबसे पास में है ठीक है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं इवनिंग स्टार कहते हैं ठीक है सबसे चमकीला ग्रह चमकीला ग्रह भी क्या होगा आपका शुक्र होगा क्यों क्योंकि पृथ्वी के पास है तो सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा आपका शुक्र ही चमकेगा ठीक है एक बार आपके कमेंट ले लेते हैं रीना जी रंजू जी आहना जी हंसा जी नीलम जी प्रियंका जी मोनिका जी रूबी जी ज्योति जी प्रियंका तनुज सकलानी जी मुलायम यादव जी ठीक है सभी लोग कौशल जी सभी लोग सुधांशु जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं ये बात की जा रही है तो देखो सूर्य के निकटतम क्या है आपका बुद्ध होगा पृथ्वी के निकटतम कौन होगा शुक्र होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए ठीक है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा किया करते थे यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा किया करते थे सर तो शुक्र की पूजा किया करते थे क्यों क्योंकि आप ये बताओ पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा ग्रह है तो आपने बताया सर शुक्र है शुक्र ही दिखता था सबसे चमकीला दिखता था सबसे तेज चमकता था तो यूरोपवासी उसको ना कुछ तरीके से एक तरीके से भगवान का वो वरदान समझते थे कि ये कितना तेज क्यों चमक रहा है इसीलिए यूरोपवासी किसकी पूजा करते थे शुक्र की पूजा करते थे ये चीज ध्यान रखनी है सौर मंडल का सब सर्वाधिक गर्म, गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा तो सर शुक्र सबसे गर्म ग्रह होगा किसका सौर मंडल का अब आप कहोगे सर बुद्ध जो है बुद्ध होना चाहिए क्योंकि बुद्ध जो है पृथ्वी सॉरी बुद्ध जो है आपके सूर्य के सबसे करीब है लेकिन नहीं क्योंकि बुद्ध जो है ना कुछ झुका हुआ ग्रह है कुछ झुका हुआ है एंगल पे तो जो मैक्सिमम उसकी जो प्रकाश आता है मैक्सिमम जो उसकी लाइट आती है सूर्य की वो किस पे आती है शुक्र पे आती है इसीलिए सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है शुक्र है बुद्ध नहीं है ये चीज ध्यान रखना पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है तो निकट ग्रह शुक्र होगा कई बार बता चुका हूँ निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है तो सर भोर का तारा कह लो सांझ का तारा कह लो पृथ्वी की बहन कह लो इवनिंग स्टार कुछ भी कह लो तो वो किसको कहते हैं हम शुक्र को ही कहते हैं चीज़ ध्यान रखना है सौंदर्य का देवता सौंदर्य का देवता ही किसे कहा जाता है सौंदर्य का देवता भी आपका शुक्र को ही कहा जाता है ठीक है क्यों कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी से सबसे अधिक कौन चमकता है शुक्र चमकता है इसीलिए हमें अच्छा लगता है देखने में उसका सौंदर्य अच्छा लगता है इसीलिए सौंदर्य का देवता भी कह देते हैं सुपरनोवा क्या है सुपरनोवा क्या है सुपरनोवा हम कहते हैं सर एक तरीके से मृत पाए तारे को मृत पाए तारे को हम क्या कहते हैं सुपरनोवा कहते हैं ठीक है ये मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से सुपरनोवा बनता है ठीक है सुपरनोवा ब्लैक होल पुच्छल तारा ये सब क्या होते हैं सब बता दूंगा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट पियरे रॉबर्ट यहाँ पे पियरी लिखा है कहीं कहीं पे पियरे लिखा होता है रॉबर्ट पियरे ने क्या किया था उत्तरी ध्रुव की खोज की थी ये चीज ध्यान रखना एक बार आपके कमेंट ले लेते हैं रंजू जी भारती जी नीलम जी सुधांशु जी मीनू जी रीना जी निशा जी भारती वैद्य जी हंसा जी प्रियंका जी आहना ठाकुर जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था साउथ पोल पर पहुंचने वाला सर एमंड सेन था ध्यान रखना एमंड सेन सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचा था पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है खगोलीय पिंड क्या होते हैं देखो आपके जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं क्षुद्र ग्रह हैं तारे हैं सब क्या है खगोलीय पिंड तो है और पृथ्वी के निकट सबसे कौन पड़ता है सर आपका चंद्रमा पड़ता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है किस शब्द से तो सर पृथ्वी जो की आकृति गोलाब है गोलाब है लघुवक्ष ठीक है ये चीज ध्यान रखना मतलब पैराबोलिक कह सकते हैं हम उसको पैराबोलिक इसकी आकृति है इस तरीके से अंडाकार की इस तरीके से है आकृति ठीक है पूरी तरीके से गोल नहीं होती आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे पृथ्वी सूर्य के प्रथा अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के प्रथा लगभग किस गति से चक्कर लगाती है तो सर एक जो है एक डिग्री प्रतिदिन मतलब एक डिग्री एक दिन में घूमती है एक दिन में कितना घूमती है एक डिग्री घूमती है ठीक है अब मुझे बताओ कि एक दिन में तो तीन सौ पैंसठ दिन में कितनी घूमेगी तीन सौ पैंसठ डिग्री घूमेगी ठीक है तीन सौ पैंसठ डिग्री घूमेगी ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना तो तीन सौ पैंसठ मतलब तीन सौ साठ का मतलब क्या होता है तीन सौ साठ का मतलब ये होता है कि पूरा चक्कर लगा लेगी कितना लगा लेगी पूरा चक्कर लगा लेगी तीन सौ साठ दिन तो में मतलब एक वर्ष में पूरा चक्कर लगाती है इसी ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है वर्ष भर एक समान रहती है अधिकतम होती है जब सूर्य के जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही होगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम कब होगी जब वो पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी ये किसने कहा था ये आपके कैप्लर ने कहा है किसने कहा है सर कैप्लर का नियम है कैप्लर का नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकटतम होगा सूर्य के निकटतम होगा तो उसकी चाल क्या होगी अधिकतम होगी ठीक है चाल क्या होगी उसकी अधिकतम होगी तो चाल अधिकतम कब होगी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकटतम होगी तो यहाँ पे जो है तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रम परिभ्रमण की चाल अधिकतम होगी कब जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी ये चीज सही है आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है बताइए पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है तो यहाँ पर हम देखें तो 27 किलोमीटर पर मिनट पर जो है आपकी मिनट 27 किलोमीटर पर मिनट उसकी गति है ठीक है पर मिनट ये चीज़ ध्यान रखना तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो तो जाएगा 27 सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं ता 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 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,800 किलोमीटर है त्रिज्या की बात करें तो आधा कर दो 6,400 किलोमीटर हो जाएगा त्रिज्या की बात करें तो 6,400 किलोमीटर हो जाएगा देखो अगर त्रिज्या पूछेगा तो क्या कर दोगे 12,800 का आधा कर दोगे अब आप क्या करो एक काम कर दीजिए सभी लोग क्या करते हैं एक बार इस पोस्ट को लाइक कर दें और मेरा एक चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी डीसी टीचर्स अकेडमी वहाँ पर जा के इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली क्लास मैं फेसबुक पर नहीं लूँगा डेली क्लास जो चलेगी मेरी वो कहाँ चलेगी डी सी टीचर्स अकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं लाइव लिया करूँगा डेली क्लास ठीक है डी सी टीचर्स अकेडमी जा के यूट्यूब में सर्च करो और वहाँ जा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो वहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी ठीक है तो अभी आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पोस्ट को लाइक कर दो और जिन लोगों ने इस डी सी टीचर्स अकेडमी के पेज को फॉलो नहीं किया तो जाकर के सभी लोग फॉलो कर लें ठीक है फॉलो कर लें और लाइक कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है बताइए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी में किस महीने में होती है तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई में जो है सबसे अधिकतम दूरी पर होती है ठीक है कहाँ कब होती है जुलाई में होती है ये चीज ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की उपसौर किस किस महीने में होती है बताइए उपसौर स्थिति किस महीने में होती है मतलब निकटतम किस महीने में, में होगी निकटतम की यहाँ पर बात कर ली अभी यहाँ पर बात की थी किसकी अधिकतम जुलाई में होती है निकटतम किस में होती है जनवरी में होती है ठीक है निकटतम कब होगी आपकी जनवरी में होगी ये चीज आपको ध्यान रखना है आगे देखिए क्वेश्चन क्या है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं पूर्व से आपने देखा होगा तारे जो हैं आपके पूर्व में इतने दिखेंगे जितने आपके पश्चिम में दिखेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारे कहाँ से कहाँ घूमती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ये चीज़ ध्यान रखना इसीलिए सूर्य कहाँ से निकलता है इसीलिए सूर्य जो है आपका पूर्व से निकलता है ठीक है और इसीलिए आपके जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में इसीलिए ज़्यादा दिखते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखना ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन गोला गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है आपको पता है कि पृथ्वी जो है कहां पर चपटी है ध्रुवों पर चपटी है यह किस तथ्य से स्पष्ट होता है क्योंकि तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विश्व रेखा पर न्यूनतम होता है देखो गुरुत्वाकर्षण की, बा, की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का मान अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा आपका बढ़ेगा ठीक है गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा तो तो भार भी क्या होगा ध्रुवों पर क्या होगा आपका ज्यादा होगा विश्व रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो आपका न्यूनतम होता है इसलिए विश्वत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर क्या होगा भार आपका न्यूनतम होगा ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना है इसीलिए यहाँ से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है चपटी है आगे बढ़ते हैं एक बार आप कमेंट देख लू कमेंट क्या कह रहे हैं सुधांशु कुमार जी आहना ठाकुर जी मुलायम सिंह जी मुलायम यादव जी ज्योति जी कौशल्या जी भारती वैद्य जी ज्योति अक्षय जी सुधांशु जी और ज्योति अक्षय जी बिल्कुल ठीक है हाँ यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा देखो यूट्यूब चैनल का नाम है डी सी टीचर्स अकेडमी डी सी टीचर्स अकेडमी ठीक है डी सी टीचर्स अकेडमी ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सभी लोग जा करके इसको सब्सक्राइब कर लें एक बार जाकर के DC टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ठीक है आप ऐसे सर्च कर लेना और मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा उसमें मेरा फोटो लगा हुआ है ठीक है उसको सर्च कर लेना जाकर के वहां पे पर लेना क्योंकि आपकी डेली क्लास जो चलेगी आपकी वहीं चलेगी वहीं पर लाइव आऊंगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पश्चिम से पूर्व घूमती है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है ठीक है आगे बढ़ते हैं आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है सर मैंने आपको बताया था पांचवा स्थान है आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है पांचवा स्थान है ठीक है नीला ग्रह किसको कहते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ठीक है नीला ग्रह किसको कहते हैं आपके पृथ्वी को ही कहते हैं अच्छा मुझे एक चीज बताओ जब पृथ्वी की बात आ गई तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमी हुई झुकी जु, हुई है तो साढ़े तेईस डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमी झुकी हुई है ये चीज ध्यान रखना और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी अपना घूर्णन मतलब घूर्णन का देखो दो चीजें होती है एक तो होती है घूर्णन गति एक होती है परिभ्रमण गति ठीक है घूर्णन का मतलब क्या होता है जब पृथ्वी जैसे लट्टू आपने देखा है लट्टू लट्टू घूमता है ना अपनी अक्ष पर उसको हम कहते हैं घूर्णन गति ठीक है और एक होती है परिभ्रमण गति वो क्या होती है जैसे यहां पर क्या है सूर्य है और ये पृथ्वी है मान लीजिए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है इसको हम कहेंगे परिभ्रमण गति और पृथ्वी क्या कर रही है एक लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे घूर्णन गति तो देखो यहाँ पर एक दो चीज़ें जान लो पृथ्वी के बारे में जो घूर्णन गति होती है घूर्णन गति अपनी एक चक्कर पूरा कितने टाइम में करती है पृथ्वी का जो घूर्णन काल है मतलब एक जो है पूरी घूमती कितनी मतलब टाइम में है तो आपको यह बताना कि इसका घूर्णन काल कितना है तो घूर्णन काल की बात करें तो इसका होता है तेईस घंटे छप्पन मिनट चार सेकेंड ठीक है तेईस घंटे छप्पन मिनट तेईस घंटे छप्पन मिनट और चार सेकंड होता है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है तो इसीलिए लगभग लगभग इसको हम क्या मान लेते हैं चौबीस घंटे मान लेते हैं ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं अब देखो इसी हिसाब से बात कर लें अगर परिभ्रमण काल की बात कर लें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में लगा पाती है तो वो आपका है तीन सौ पैंसठ दिन पाँच घंटे अड़तालीस मिनट तीन सौ पैंसठ दिन पाँच घंटे अड़तालीस मिनट और छियालीस सेकेंड में ठीक है ये चीज ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं पृथ्वी स्थित है किसके बीच में स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में तो आपको मैं क्रम बता दूं बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये आपको क्या हो जाएंगे ग्रह हो जाएंगे ठीक है तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है तो तीन जनवरी जो होता है एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है देखो निकट की बात कर ली निकट कब होती है तीन जनवरी को अधिकतम दूरी पर कब होगी अधिकतम दूरी पर होगी सर चार जुलाई को कब होगी सर जुलाई को तो 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 और चार, तीन और ठीक है 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 का अंतर पे तो आप बात करें निकट कब जनवरी को है और अधिकतम दूरी कब होती है चार जुलाई को होती है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग लगभग कितने दिनों में कर लेती है इर्द गिर्द परिक्रमा तो यहाँ पर सर क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी तीन सौ पैंसठ सही एक बटे चार दिन में या एक बटे चार को हम लिख सकते हैं पॉइंट टू फाइव तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है तो सभी को पता होगा चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है दिन व रात होने का कारण क्या है अभी मैंने आपको बताया तो दो चीज़ें बताई थी एक तो बताई थी घूर्णन गति और एक आपकी मैंने क्या बताई थी एक आपकी परिभ्रमण गति बताई थी तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है घूर्णन गति करती है और एक करती है आपकी परिभ्रमण गति तो जो दिन रात जो होते हैं दिन रात आपके होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये आप ध्यान रखना दिन रात जो होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं और अगर ऋतुओं के परिवर्तन की बात करें तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण परिभ्रमण गति क्या होती है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रम परिभ्रमण गति कहलाता है इसी के कारण क्या होते हैं आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है दिन रात आपकी घूर्णन गति के कारण होते हैं आगे बढ़ जाते हैं सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगा कितने समय में आपका पहुंचेगा तो सर लगभग 4.2 वर्ष में पहुंचता है मतलब यह है कि सूर्य जो है ना पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम तारा है सबसे अधिक निकटतम तारा है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा सोचो फोर वर्ष में पहुंचेगा तो कितनी दूर होंगे जो सूर्य के मतलब सूर्य के अतिरिक्त जो तारे होंगे पृथ्वी से कितनी दूर होंगे बहुत दूर है ठीक है तो यहाँ पे देखो सूर्य के सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी 149.6 मिलियन किलोमीटर ठीक है 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी हो जाएगी अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है अपने अक्ष में पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है तो मैंने अभी आपको बताया था तेईस घंटे छप्पन मिनट चार सेकेंड तेईस घंटे छप्पन मिनट चार सेकेंड में पूरा करती है अभी मैंने आपको बताया था ठीक है आगे बढ़े अगला देखिए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो दिन रात की अवधि समान होती है सर भूमध्य रेखा पर जब मैं आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा ना तब तो मैं आपको बताऊंगा कि भूमध्य रेखा क्या होती है कर्क रेखा क्या होती है मकर रेखा क्या होती है अक्षांश क्या होता है देशांतर क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो बस आप क्या करेंगे डीसी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे वहीं पे आपकी क्लास चलेगी इक्विनॉक्स क्या होता है इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्व का मतलब होता है इक्वल इक्वल का मतलब होता है दिन रात बराबर होना इक्वल का मतलब क्या होता है दिन रात बराबर होना देखो इक्वी से निकलेगा इक्वल इक्वल का मतलब है समान क्या समान दिन रात समान ठीक है तो यहाँ पर बात की जा रही है दिन रात समान की बात की जा रही है तो वह तिथि जब दिन और रात क्या हो समान अवधि के हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो आपका होता है बाईस दिसंबर को ठीक है बाईस दिसंबर को क्या होगा सबसे लंबा दिन होता है ये चीज ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं पृथ्वी झुकी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है देखो पृथ्वी यहाँ पे पूछ रहा है कि कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है क्वेश्चन ये है कि भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है वो कितना है वो साढ़े छियासठ डिग्री ये कैसे है मैं आपको बता रहा हूं देखो मैं आपको बता रहा हूं देखो यहां पे थोड़ा समझा देता हूं जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है ये आपकी पृथ्वी हो गई पृथ्वी की जो एक्चुअली में हम बात करें जो अक्ष है वो इस तरीके से निकलती है अक्ष जो है ना पृथ्वी की इस तरीके से है इस तरीके से पृथ्वी की अक्ष है तो पृथ्वी की अक्ष इस तरीके से ये पूछ रहा है कि भू कक्ष तल पर तो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है तो हम बात करें देखो तो, तो अक्ष इसकी इस तरीके से हो जाएगी एक तो इसकी वर्टिकल लाइन ये हो गई और ठीक है ये आपकी क्या हो गई ये आपकी हो गई वर्टिकल लाइन तो यहाँ पृथ्वी वर्टिकल लाइन से कितने पर झुकी हुई है साढ़े डिग्री पर झुकी हुई है ऊपर से साढ़े डिग्री पर झुकी हुई है ठीक है ऊपर से कितने पर झुकी हुई है साढ़े डिग्री पर झुकी हुई है लेकिन ये बताओ यहाँ पे जो ये कितना एंगल होगा जब ये साढ़े तेईस डिग्री हो गया तो ये कितना बचा ये आपका बचा डिग्री ठीक है तो यही आपका क्या होता है इसी इसी को को हम क्या कहते है? इसी को तल कहते हैं हैं तल ठीक है तो ये कितनी हो जाएगी साढ़े छियासठ डिग्री हो जाएगी अगर ये पूछता कि ऊर्ध्वाधर तल से ऊर्ध्वाधर तल से कितना झुकाव है तो आपका साढ़े तेईस डिग्री है ये पूछता है भूकक्ष तल पर कितना झुकाव है तो आपका साढ़े छियासठ डिग्री होगा ये बात ध्यान रखना आगे देखिए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है तो सभी को पता होगा एक ही उपग्रह कौन है चंद्रमा है ठीक है चंद्रमा ही उपग्रह है आगे बढ़ते हैं एक बार कमेंट देख लें आप लोगों के ज्योति जी मीनाक्षी जी सरिता जी प्रियंका जी मुलायम यादव जी आ, कुमारी सरिता जी 85 का बी होगा नहीं 85 का बी नहीं होगा सुनो मेरी बात को मैं देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर दो चीज़ें अभी मैंने आपको क्या समझाया आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा फिर से देखो तो मैंने आपको ये समझाया कि पृथ्वी की जो अक्ष है वो इस तरीके से जाती है इसका अगर उध्वादर तल से झुकाव पूछेगा उध्वादर तल से झुकाव पूछेगा तो आपका साढ़े तेईस डिग्री होगा अगर आपका भूकक्ष तल पर झुकाव पूछ रहा है भूकक्ष तल पर मतलब ये वाला पूछ रहा है उध्वादर से नहीं पूछ रहा है नीचे वाला पूछ रहा है ये कितना होगा तो ये आपका लगता है पूरा कितना होता है सॉरी मैं भी क्या देख रहा हूँ एक मिनट रुको मैंने भी यहाँ पे पहले ग्रत बता दिया था यहाँ पर देखो ये आपका क्या है उध्वादर से आएगा उधवादर से ये आपका हो जाएगा साढ़े तेईस डिग्री इतनी बात क्लियर है ये आपका साढ़े तेईस डिग्री है तो भूकक्ष जो होता है ये वाला होता है ये वाला होता है आपका भूकक्ष तल ये वाला जो होता है आपका भूकक्ष तल होता है ठीक है अब मुझे बताओ ये ये वाला कोण कितने का है ये वाला एंगल कितना है ये वाला एंगल है आपका नब्बे डिग्री का ये वाला एंगल आपका नब्बे डिग्री का है ठीक है अब जब नब्बे डिग्री का होगा नब्बे में से आप क्या घटा दो साढ़े तेईस घटा दो नब्बे में से आप साढ़े तेईस घटा दो ठीक है नब्बे में से जब आप साढ़े तेईस घटाओगे तो आपका कितना बचेगा साढ़े छियासठ बचेगा साढ़े छियासठ बचेगा नहीं बचेगा तो ये वाला जो होगा ये आपका साढ़े छियासठ होगा तो दो चीजें होती हैं एक तो होता है ऊर्ध्वाधर तल तो ऊर्ध्वाधर तल से पृथ्वी झुकी हुई है साढ़े तेईस डिग्री पर आपसे पूछ रहा है कि भूकक्ष तल भूकक्ष तल होता है ये वाला ये वाल इस अक्ष से कितनी झुकी हुई है तो भूकक्ष तल से सर ये वाला एंगल आपको निकालना है और यह एंगल आपका हो जाएगा साढ़े छियासठ डिग्री अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आप कभी बी मत कर देना आपको यह देखना है कि किस तल से पूछ रहा है भूकक्ष तल से पूछ रहा है तो साढ़े डिग्री होगा अगर यहां पर उसने पूछ लिया कि उद्वादर तल से कितना है तो उद्वादर तल से आपका होगा साढ़े तीस डिग्री ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखिए इक्कीस जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है इक्कीस जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितना घंटे शून्य घंटे बारह घंटे अठारह घंटे या चौबीस घंटे तो ध्यान रखना चौबीस घंटे दिखाई देता है ठीक है चौबीस घंटे दिखाई देता है हाँ भूतल पूछ रहा है ना देखो भूतल क्या होता है देखो अब मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं आप चीज को समझ लो देखो ये चीज है ये आपकी पृथ्वी है और यह होता है पृथ्वी का भूतल ये वाला पृथ्वी का भूतल होता है ठीक है और यह पृथ्वी की जो अक्ष है वो इस तरीके से जाती है इस तरीके से जाती है पृथ्वी के अक्ष क्योंकि पृथ्वी साढ़े डिग्री में झुकी हुई है कहां से झुकी हुई है वो आपके ऊपर से झुकी हुई है वो तल से झुकी हुई है साढ़े तेईस डिग्री पर यहाँ से साढ़े तेईस डिग्री पर झुकी हुई है तो ये साढ़े तेईस डिग्री हो गया लेकिन जो इसका ये वाला तल होगा इसको हम भूकक्ष तल कहेंगे यहाँ से आपकी जो होगी आप पूरा कोण नब्बे का होता है नब्बे में से साढ़े तेईस घटा दोगे तो आपका आ जाएगा साढ़े छियासठ ये मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ते हैं आप एक बार चेक करना और कोई कंफ्यूजन हो तो कल पूछ लेना पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है तो आपको बता ही चुका हूँ कि क्या सबसे निकट ग्रह शुक्र है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है तो आपका पृथ्वी है ठीक है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में जैसे आप लोगों को पता है बुद्ध है पहले बुद्ध के बाद शुक्र है फिर आपका पृथ्वी है फिर आपका मंगल है फिर बृहस्पति है फिर शनि है फिर अरुण है फिर वरुण है ठीक है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है तो अब देखो अब यहाँ पर आ गया अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है तो यहाँ पर फिर से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा साढ़े छियासठ डिग्री देखो कक्षा तल क्या होता है कक्षा तल देखो ये कक्षा यही तो होती है ये आपके कक्षा तल होता है ये वाला ये कक्षा तल होता है और ये आपकी क्या है ये आपकी पृथ्वी की अक्ष है, है। और ये आपकी है उद्धवादर अक्ष पृथ्वी उद्धवादर अक्ष से साढ़े तेईस डिग्री पर झुकी हुई है कक्षा तल से कितने पर हो जाएगी साढ़े छियासठ डिग्री पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किन तथियों को सूर्य की किरणें विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती हैं आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को ठीक है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा ना चैप्टर तब मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो आप ध्यान रखो इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर जो क्या होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिकतम समीप है कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है तो आपको पता है कि सूर्य जो है सब सबसे समीप है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है तो मैंने आपको यह पहले ही बता चुका हूं इसका आंसर क्या होगा कॉपर निकस आंसर होगा इसका आंसर होगा कॉपर निकस ठीक है आगे बढ़िए जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं कहाँ पर सीधी पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर ठीक है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है ये चीज़ ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा तो आसमान का रंग कैसा होगा काला दिखेगा सर आसमान हमें नीला क्यों दिखता है क्योंकि नीला इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे हमारे और आसमान के बीच में क्या है वायुमंडल पाया जाता है ठीक है वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल जब जो सूर्य का प्रकाश जब आता है हमारी पृथ्वी पर तो वायुमंडल से होता हुआ आता है ठीक है और वायुमंड इसमें क्या होता है वायुमंडल एक तरीके से प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है प्रिज्म में से जब आप कोई सूर्य किरण मतलब कोई भी प्रकाश निकालोगे तो वो सात रंग में डिवाइड हो जाता है ठीक है अगर हम वायुमंडल को हटा दें तो हमें क्या दिखेगा हमें काला दिखेगा क्या अंतरिक्ष आप अगर चंद्रमा पे जाओ चंद्रमा पे जाकर के आप देखना मतलब आसमान को देखना तो आसमान का रंग आपको काला दिखेगा ठीक है चंद्रमा पर जाकर के आप देखोगे आसमान को तो काला दिखेगा क्यों दिखेगा क्योंकि उस पर जो है चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं तो वायुमंडल नहीं है तो भी वो आपको दिखेगा दिखेगा काला ये चीज़ ध्यान रखना पानी के कारण क्या पानी के कारण पानी के कारण नहीं होता है वायुमंडल जो अगर नहीं है वायुमंडल क्या करता है वायुमंडल जो है आपके जो एक घटना होती है जिसमें प्रकाश जो है सात रंग में बट जाता है वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की परिधि कितनी है पृथ्वी की परिधि कितनी है तो आपकी हम कह सकते हैं चालीस हजार पचहत्तर किलोमीटर क्या है पृथ्वी की परिधि है ठीक है आप टू पाई आर से भी निकाल सकते हो टू इसकी वैल्यू पुट कर दो ट्वेंटी टू, टू पॉइंट सेवन आर की वैल्यू कर दो आप चौंसठ सौ ठीक है चौसठ सौ कर दो आप पुट करके निकाल सकते हो आंसर आपका आ जाएगा चालीस हजार पचहत्तर ठीक है से आप निकाल सकते हो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है किस तिथि को त्रिको उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है यह आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा सर इक्कीस जून को इक्कीस जून को क्या होता है सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो बाईस दिसंबर ठीक है बाईस दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है इक्कीस जून को सबसे बड़ा दिन बाईस दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन ठीक है ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है सर छह माह छह माह का दिन होता है छह माह की रात होती है ध्रुवों पर ठीक है ये चीज ध्यान रखना नीला दिखने की बात नहीं कर रहे हैं मुलायम यादव जी नीला दिखने की बात कहां हो रही है अच्छा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है ये पूछ रहे हो आसमान पानी के कारण नहीं नीला नहीं दिखाई देता है किसने कहा तुमसे कि आसमान पानी के कारण नीला दिखाई देता है मैं बताऊंगा अभी बता रहा हूं मैं आपको क्यों नीला दिखाई देता है थी? ठीक है आपने अगर थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो ना तो आपको पता होगा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है देखो मैं आपको बता रहा हूं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से निकलता है तो सूर्य का प्रकाश सात रंगों में बट जाता है कितने रंगों, रंगों में बट जाता है सर सात रंगों में बट जाता है सूर्य का प्रकाश सात रंग कौन कौन से होते हैं विब ग्योर विब ग्योर कौन कौन से रंग होते हैं सर विभगोर से निकाल लो एक आपका बैगनी होता है एक आपका नीला आ, मतलब इंडिगो नीला होता है एक आपका नीला होता है एक आपका हरा होता है पीला होता है ऑरेंज होता है और रेड होता है ठीक है अब यहाँ पर देखो जो इंडिगो जो कलर होता है विभगोर में इंडिगो ब्लू जो कलर होता है वो आप उसको हम कहते हैं आसमानी कलर तो आसमानी कलर जो होता है जब अच्छा, हमारे जो वा, वा, कोई भी प्रकाश सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से निकलता है तो रंग है, सात रंग में बट जाता है सूर्य का प्रकाश सात रंग में बटता है सात रंग में बटने के बाद में जो आसमानी रंग का जो प्रकाश होता है सिर्फ और सिर्फ वही हमारे पास तक पहुंच पाता है वही हमारी आंखें देख पाती हैं ठीक है वही हमारे वही हमारी आंखें देख पाती हैं और आसमानी रंग का ही प्रकाश हम लोग देख पाते हैं इसीलिए हमें जो आस आसमान आसमानी रंग का दिखता है वो नहीं है कि मतलब पानी के कारण पानी कारण नहीं होता है ठीक है यह चीज ध्यान रखना पानी से नहीं होता अर्थ हां अर्थ वाटर के कारण नीला दिखती है बिल्कुल पुनीत शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है अर्थ वाटर के कारण नीली दिखती है बिल्कुल सही कहा है ड्यू टू अपवर्तन हाँ बिल्कुल अपवर्तन की क्रिया इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको अपवर्तन कहते हैं ठीक है अपवर्तन के कारण नीला दिखता है बिल्कुल आहना ठाकुर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ठीक है तो ये अब ये अब मत अब ये मत कहना कि आसमान जो है पानी के कारण नीरत दिखता है ठीक है अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आसमान काला दिखेगा बाकी मैं साइंस जब पढ़ाऊंगा तो साइंस में आपको बता दूंगा ये सारी घटनाएं आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन करते हैं हंड्रेड क्वेश्चन लास्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है तो सर बुद्ध का अधिक है क्यों अधिक है मैं आपको बता रहा हूं इसका रीजन है क्योंकि बुद्ध जो है ना सूर्य के सबसे समीप पड़ता है कोई भी चीज सूर्य के सबसे समीप पड़ेगी उस पर सर पानी तो बिल्कुल नहीं होगा पानी तो होगा ही नहीं पानी नहीं होगा तो बिल्कुल ठोस हो जाएगी पथरीली हो जाएगी कंकड़ की तरह पत्थर बन जाएगी पूरी चीज अब पत्थर का जो तो गणत्य होगा सबसे अधिक होगा इसीलिए बुद्ध का जो है घनत्व सबसे अधिक होता है आई होप कि अब आप समझ गए होंगे ठीक है चलिए बस आज की क्लास इतनी रखते हैं बाकी देखो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरा एक यूट्यूब चैनल है डी सी टीचर्स अकेडमी आप वो सब्सक्राइब कर लो डी सी टीचर्स अकेडमी डी सी टीचर्स अकेडमी सब जा कर के सब्सक्राइब कर लो ठीक है डी सी टी ई ए सी एच ई आर एस ए सी ए डी ई एम वाई डी सी टीचर्स अकेडमी मैं आपको एक बार फिर से हिसाब से लिख दे रहा हूँ डी सी टीचर्स डी सी टीचर्स अकेडमी ठीक है डी सी टीचर्स अकेडमी इसको आप सब्सक्राइब कर लो और सारी लाइव क्लासेज आपको डेली किस पर मिलेंगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना है क्लासेस का टाइम देखो क्लास का टाइम आपका होगा साढ़े तीन बजे से ठीक है साढ़े तीन बजे से क्लास चलेंगी, चलेंगी आपकी आ, क्लास चलेगी पहले चलेगी आपकी पॉलिटिक क्लास साढ़े तीन से चलेगी पॉलिटिक क्लास इसके बाद में आपकी साढ़े चार बजे से साढ़े चार बजे चलेगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो सभी लोग बिल्कुल एक बार सभी लोग लाइव कर देंगे जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेंगे और डीसी टीचर्स एकेडमी को जाकर के सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइव का टाइम मैंने बता दिया साढ़े तीन बजे लाइव आऊंगा आपकी पॉलिटिक क्लास लेकर के और साढ़े चार बजे लाइव आऊंगा आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेकर के बस ये चीज ध्यान रखिए ठीक है इतनी बात समझ गए और कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो डीसी टीचर्स एकेडमी के पेज पर मैसेज कर सकते हो कैसी भी समस्या हो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आई होप कि आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और जल्दी से जल्दी आप अपने मुकाम को प्राप्त करें यह आपसे ये हमारी भगवान से प्रार्थना है सभी लोगों को अपनी मनपसंद जॉब मिले चली थी की क्लास आज आप आए नहीं चली थी आप जा करके अब वो वीडियो जो है ना कल आपका आ जाएगा यूट्यूब पर कल आ जाएगा लाइव क्लास चली थी आज ठीक है कल आपका वीडियो आ जाएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं